हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। मैंने देखा और मेरे मन में विचार आया कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। क्वेश्चन इज, व्हाई डोंट वी स्टार्ट SI इंजन एंड CI इंजन द सेम वे। मींस हम SI इंजन और CI इंजन में कम्बशन इग्निशन होता है वो सेम तरीके से स्टार्ट क्यों नहीं करवाते हैं? एक में हम SI इंजन यानी कि स्पार्क का यूज़ करते हैं एंड एक में हम CI यानी कि कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। इसमें हमने जिस तरह से साइकिल को डिज़ाइन कराया, जिस तरह से हमने कंप्रेशन रेशियो को रखा है, जिस तरह से हमने फ्यूल को यूज़ किया है, वो सब इसी तरह से यूज़ करा है ताकि फ्यूल का टेम्परेचर जस्ट हम फायर पॉइंट टेम्परेचर तक पहुँचा सकें। जबकि कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हमने कंप्रेशन रेशो को इतना हाई रखा है, फ्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से लिया है कि कंप्रेशन के कारण जो टेम्परेचर बढ़े वो टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन तक पहुंच जाए एंड फ्यूल अपने आप इग्नाइट होना शुरू कर दे। हम आगे फ्यूल डालते जाएँ, आगे हीट जनरेट होती जाए एंड हमारा मैकेनिकल वर्क आउटपुट हमको मिलता जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूल स्ट्रक्चर की क्या बात है, इसको हम कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्यूल स्ट्रक्चर। जब हम SI इंजन की बात करें और CI इंजन की बात करें तो SI इंजन में मेनली जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, पेट्रोल। एंड CI इंजन में यूज़ करते हैं हम डीजल। तो आपको इतना तो पता होगा पेट्रोल में जो फ्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है एंड डीजल में ओपन स्ट्रक्चर। तो जब भी हम किसी फ्यूल को कम्बशन कराते हैं तो सबसे पहले फ्यूल में जो फ्यूल के आउटसाइड हाइड्रोजन लेयर होती है वो जलती है, वो इतनी हीट प्रोवाइड करती है कि टेम्परेचर फर्दर बढ़ता है एंड फ्यूल का फर्दर कम्बशन चलता है। तो यदि मैं डीजल फ्यूल की बात करूं तो डीजल फ्यूल में हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि फ्यूल आसानी से कम्बस्ट हो जाता है यदि खुद से भी कम्बशन कराएं हम तो। बट हाइड्रोजन में यदि बात करें हम तो उससे यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, C4H10, क्या बोलूं मैं इसको, ब्यूटेन। बट ये बेंजीन है और इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, C6H6। यहाँ पे 4 कार्बन के लिए हाइड्रोजन 10 है और यहाँ पे 6 कार्बन के लिए हाइड्रोजन 6 ही है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यदि इसको फ्यूल को हमको कम्बस्ट कराना है, मतलब कार्बन भी कम्बस्ट कराना है, कार्बन को भी जलाना है, हीट लेनी है, तो हमको इसमें एडिशनल हीट एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करानी पड़ेगी और उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका स्पार्क का। एंड यही कारण है कि जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, TSI मैं बोल देता हूँ, एंड यहाँ पे जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है तो SI फ्यूल का टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर CI फ्यूल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा होता है और यही कारण है कि पेट्रोल जब सेल्फ इग्नाइट होता है तो वो हमारे लिए अनडिजायरेबल होता है, उसको हम नॉकिंग बोलते हैं, जबकि डीजल जब सेल्फ इग्नाइट होता है तो उसको हम डिजायरेबल बोलते हैं। और यदि डीजल पहले खुद एक्सटर्नल सोर्स के कारण इग्नाइट हो रहा है तो उसको हम प्री इग्निशन बोलते हैं। यानी समझ पा रहे हो आप, दोनों ही चीज़ खतरनाक है। पेट्रोल हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स से इग्नाइट हो, यदि एक्सटर्नल सोर्स के बिना खुद से इग्नाइट हो गया तो उसको नॉकिंग बोलेंगे जो बहुत खतरनाक है। डीजल हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स से खुद से इग्नाइट हो, यदि वो किसी स्पार्किंग या किसी हॉटस्पॉट की वजह से पहले इग्नाइट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, प्री इग्निशन बोलेंगे। तो एक तो बात है हमारी फ्यूल स्ट्रक्चर की, दूसरी हमारे पास बात आती है कंप्रेशन रेशियो की। तो यदि मैं बात करूं SI इंजन एंड CI इंजन की, SI इंजन में जनरली रखता हूं 6 से 12 एंड CI इंजन में जनरली रखता हूं 16 से 22। आपको अंतर दिख रहा होगा 6 से 12 और 16 से 22 कंप्रेशन रेशो में। यदि मैं एक बार साइकिल को ड्रॉ करूं, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल को, तो ऑटो साइकिल में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है एंड डीजल साइकिल में कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है, दोनों PV पे ड्रॉ करेगा है। तो यदि हम दोनों को साथ साथ देखें तो हमको लग रहा है कि हाँ सेम ही है, बट यदि मैं एक ही साइकिल में ऑटो डीजल दोनों को ड्रॉ करूं तो डीजल यदि कुछ ऐसे आएगा तो ऑटो कुछ
ऐसे आएगा। अंतर समझ पा रहे हैं? ये अंतर कंप्रेशन रेशो का है, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 से 12 के बीच का ही कंप्रेशन रेशो लिया और यहाँ पे 16 से 22 के बीच का कंप्रेशन लिया है। तो यदि मैं 1 2 3 4 इसको लिखूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो भले ही हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया, लेकिन T3 सपोज ये SI के लिए है, 3S, ये 3C, ये CI के लिए। T3S इज लेस देन T3C, क्यों? क्योंकि कंप्रेशन रेशो 3C पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा है कंप्रेशन टू कंपेयर टू 3S। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाती है तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली प्रेशर के प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। तो इसके कारण क्या है, CI इंजन में टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा और अपने आप ही इग्नाइट हो जाएगा। और हम ये बोलते हैं कि इनके कम्बशन इग्निशन में, यानी कि कम्बशन जिस तरह से हमने शुरू करा उसमें डिफरेंस आ गया। अब एक और चीज़ आती है, तो ये तो बात हो गई मेरे हिसाब से मेन यही बात थी कि एक तो फ्यूल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, एक कंप्रेशन रेशियो में डिफरेंस होता है कि हम क्यों इसको कंबशन अलग अलग कराते हैं। तो यदि मैं एक और बात करूं कि मैं पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दूं एंड डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दूं, तो क्या होगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो हम पेट्रोल इंजन में एक चीज़ डिफाइन करते हैं, नॉकिंग। नॉकिंग डिफाइन कैसे होती है? नॉकिंग का मतलब है कि एक फ्रंट फ्लेम फ्रंट दूसरे फ्लेम फ्रंट से टकरा जाए तो हाई एनर्जी शॉक वेव जनरेट होगी, जिसके कारण कि मेटलिक साउंड आएगा, जिसको बोलते हैं पिंजिंग। और इस मेटलिक साउंड के कारण हमारे पार्ट डैमेज हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं नॉकिंग या डेटोनेशन। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या इंश्योर करते हैं कि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो का मतलब क्या है कि इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है कि जब एक फ्लेम फ्रंट ऊपर से आ रही है तो उसके ट्रैवल करने में जितना टाइम लग रहा है, उस टाइम के दौरान ये फ्यूल खुद से नहीं जलेगा, सेल्फ इग्नाइट नहीं होगा। लेकिन हम डीजल डाल रहे हैं तो हम एग्जैक्टली इसी पॉइंट को इनवैलिड कर रहे हैं। हमने सपोज ये फ्यूल डाल रखा है यहाँ पर एंड यहाँ से जलती हुई एक फ्लेम फ्रंट आ रही है, फ्यूल को कंज्यूम करती हुई आ रही है, बट यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया ऑलरेडी कि डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर गया और यहाँ से फिर एक फ्लेम फ्रंट जनरेट हो गई, यहाँ से फिर एक फ्लेम फ्रंट जनरेट हो गई एंड ये सारी जब एक साथ कोलाइड करेंगी तो इतनी ज़्यादा नॉकिंग होगी कि इंजन ख़राब हो जाएगा वहीं की वहीं। सिमिलरली यदि डीजल में पेट्रोल डालूं मैं तो डीजल इंजन में भी हमारे पास नॉकिंग होती है। और उस नॉकिंग का क्या कारण होता है, एक बार मैं जल्दी से बता दूं आपको। डीजल इंजन में क्या है कि हम स्पार्किंग नहीं करते बट हम फ्यूल डालते हैं। जब हमने बोला कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है डीजल में, एक बार जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है ये वाला 2 से 3, तो हम क्या करते हैं इसके दौरान फ्यूल को ऐड करते हैं फ्यूल पंप की या इंजेक्टर की मदद से। तो जब फ्यूल ऐड कर रहे हैं तो मतलब जैसे जैसे फ्यूल आता है वो जलता जा रहा है एंड जलता जा रहा है वो हीट जनरेट कर रहा है, प्रेशर जनरेट कर रहा है, जिसके कारण कि हमको मैकेनिकल वर्क आउटपुट मिल रहा है। बट जल कैसे रहा है ये, जब सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच रहा है उसके अंदर, जो कम्बशन चैम्बर के अंदर टेम्परेचर है, यदि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच रहा है तो फ्यूल का कम्बशन हो रहा है। बट हमने वहाँ पे पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल का हम जानते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने क्या करा, पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल पहली बार डाला, टेम्परेचर उतना नहीं हुआ था कि सेल्फ इग्नाइट हो सके, वो पेट्रोल पड़ा रह गया कम्बशन चैम्बर में, उसका कम्बशन नहीं हुआ। दूसरी बार डाल दिया हमने, उसका भी कम्बशन नहीं हुआ। तीसरी बार डाल दिया, उसका भी कम्बशन नहीं हुआ। चौथी बार डाला तो हाँ, अब तक टेम्परेचर इतना ज़्यादा पहुंच चुका था कि सारों का एक साथ कम्बशन हो गया, इतनी हाई प्रेशर वेव आई कि उसने नॉकिंग करा दी। डीजल में नॉकिंग कैसी होती है, डीजल इंजन में ऐसे ही तो होती है कि एक बार जो फ्यूल आया वो नहीं जला, दूसरी बार आया वो नहीं जला, तीसरी बार आया एक साथ जल गई और नॉकिंग हो गई। तो पेट्रोल में आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो, क्योंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का बहुत ज़्यादा होता है, स्पार्क आप प्रोवाइड करा नहीं रहे कि स्पार्क प्रोवाइड हो तो अपने आप जल जाए वो, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि कंप्रेशन पे डिपेंडेंट हो आप, उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो कि जब उसका टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होगा तब जलेगा। तो एक साथ ही 3-4 बार का फ्यूल आ गया, वो जला, इतनी ज़्यादा उसने प्रेशर वेव जनरेट करी कि नॉकिंग हो गई, इंजन ख़राब हो गया आपका। तो आप समझ पा रहे हैं कि दोनों ही केस में हमारे पास डेट्रीमेंटल है कि पेट्रोल में डीजल डालते हैं, डीजल में पेट्रोल डालते हैं, हमारा इंजन नहीं चल सकता। तो आई होप ये क्लियर है आपको। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन।